हे फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सर्विस यूट्यूब चैनल का, फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये ब्लैक बुक का सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस हिंदी लैंग्वेज में आपका काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था। मैंने उसमें बताया भी था आपको, ये 2023 एडिशन है। जब 2024 एडिशन आएगा, मेरे पास आ जाएगा, तो फाइनली 2024 एडिशन बन के हमारे पास आ चुका है। और आज हम लोग कंप्लीट रिव्यू ब्लैक बुक जनरल अवेयरनेस का करने वाले हैं हिंदी लैंग्वेज में। इसका प्राइस बताएंगे, पैटर्न बताएंगे, सारा कुछ आपको बताएंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो रिव्यू में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, आप देख रहे हैं सर्विस यूट्यूब चैनल, जहां बुक्स की रिव्यू सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही हमारे तरफ से आपको 10 से 15 पेज का पीडीएफ भी फ्री में मिल जाता है, ताकि आप घर बैठे बुक को चेक कर पाओ। तो जरूर से उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फास्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि वीडियो बन के अपडेट होने में टाइम लगता है, वहीं पे बुक आता है। मैं उसका इमेजेस टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी है, आपके क्षेत्र में ये बुक नहीं मिल रहा है, तो जरूर से ऊपर दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करिए। कोरियर के माध्यम से या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बुक आपको हम डिलीवरी मिल जाएगा। तो चलिए आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। हे दोस्तों, तो ये ब्लैक बुक का जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य जागरूकता बिल्कुल से नया वाला एडिशन हमारे पास आ चुका है। मार्च 2024 एडिशन देख सकते हैं, अभी मार्च चल रहा है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल से नया वाला अपडेट मिलेगा, सारा कुछ यहाँ पे अपडेट किया गया है। इसमें 30,000 वन लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा हिंदी मीडियम में, निखिल गुप्ता जिनका राइटर है। और ये बुक में आपके टॉपिक जो कवर होंगे वो इतिहास, भूगोल, भारतीय राजनीति, अर्थशास्त्र, भौतिक, रसायन, जीव विविध और 30 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। 100% ओरिजिनल इनका QR दिया गया है। हाल में SSC द्वारा पूछे गए 800 प्लस TCS प्रश्न इसमें इंक्लूड किया गया है, जो कि 2023 वाला एडिशन अगर आपके पास है तो उसमें नहीं मिलेगा। प्राइस की बात करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा इनका प्राइस नहीं है, जिस लेवल पे इनका क्वालिटी है या पेपर दिए गए हैं, 499 बिल्कुल रीजनेबल प्राइस इन्होंने रखा है, जिसपे डिस्काउंट भी है। इनका ब्लैक बुक का वो कैब आता है, वो भी बहुत ही अच्छी बुक है। उसका अभी तक 2023 एडिशन ही चल रहा है, 2024 अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। पुस्तक खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच कर ले, यानी ओरिजिनल बुक ले लीजिए, इस QR को देख के ये बताया गया। चलिए देखते हैं अंदर से क्या दिया गया है इसमें। कंटेंट काफ़ी बड़ा है, मैं इसे PDF पे मर्ज करके दूंगा, वहाँ से आप अच्छे से देख पाओगे, फिर भी मैं आपको एक नज़र में दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहला टॉपिक जो इतिहास था, अब इतिहास के अंदर का प्राचीन भारत और प्राचीन भारत के अंदर के जितने टॉपिक है वो दिए गए हैं। मध्यकालीन भारत के अंदर जितने टॉपिक है वो दिए गए हैं। आधुनिक भारत के अंदर के सारे टॉपिक दिए गए हैं। उसके बाद हमारा विश्व का इतिहास के भी सारे टॉपिक दिए गए हैं, कला एंड संस्कृति भी दिए गए हैं। उसके बाद हमारा बी स्टार्ट होता है, जिसमें भूगोल है, भूगोल के अंदर में भी भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों देखने को मिल जाएगा, और उनके अंदर के सारे टॉपिक भी है। साथ ही पर्यावरण में परिस्थिति भी हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ भारतीय राज्य व्यवस्था है, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के अंदर के सारे टॉपिक। और भाग थर्ड में हमारा साइंस आता है हिंदी में, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, अलग अलग सब कुछ दिखाया गया। ये भौतिक है, भौतिक के अंदर यानी फिजिक्स के अंदर के सारे टॉपिक है। रसायन यानी हमारा केमिस्ट्री हो गया, और जीव विज्ञान हमारा बायोलॉजी हो गया, और जीव विज्ञान में भी आपको बॉटनी और जूलॉजी दोनों टॉपिक हमारा मिलता है। उसके बाद भी यहाँ पे जो विविध वगैरह सारा कुछ दिया गया है, इधर में भी और दिए गए हैं। तो यहाँ पे 30 सेट जो है, भाग पाँच में पिछले वर्ष में महत्वपूर्ण पूछे गए 30 सेट 1000 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कौन कौन से एग्जामिनेशन को कवर किया गया है वो यहाँ पे दिया गया है। SSC CGL टायर 1 2023 में जो एग्जामिनेशन हुआ था वो है, SSC CGL टायर 2 2023 का एग्जामिनेशन है, CHSL टायर 1 है, CHSL टायर 2 है, SSC MTS 2023, सारे 2023 के जो भी क्वेश्चन थे, जैसे कि मैंने बताया कि आपको फुल अपडेट मिला है, तो यहाँ पर फुल अपडेट किया गया है। यहाँ 7 है, उसके बाद भी इतने सारे एग्जामिनेशन को लेके, यहाँ पे कोई IBO 2024 में एग्जामिनेशन हुआ था वो भी इस पर अपडेट कर दिया गया है। तो इससे ज़्यादा अपडेट आपको इसमें नहीं मिलेगा, अब ये नेक्स्ट ईयर फिर से अपडेट होगा। तो सारा कुछ बहुत ही अच्छे से दिया गया है, किस से कितने क्वेश्चन दिए गए यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए देखते हैं अंदर से इस पुस्तक का इस्तेमाल कैसे करें, यूज़ करने का तरीका ज़रा सा बताया गया है, और किस एग्जामिनेशन से कितने क्वेश्चन वगैरह लिए गए हैं वो सारा डेट भी दिया गया है। स्टार्ट में कुछ दिखाया गया है, भाग वन ब्लैक बुक ऑफ सामान्य जागरूकता, टॉप 500 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न। तो यहाँ पे इन्होंने अपने
एक्सपीरियंस के अनुसार, अपने टीम के अनुसार जो प्रश्न बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उनको छांट के अलग किया गया। वो भी ये एक दो क्वेश्चन नहीं है, पूरे के पूरे 500 क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल। तो यहाँ पे ये चीज़ एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। अदर बुक में हमें ये चीज़ देखने को मिल जाता है, नहीं मिलता है कि अदर जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चन को अलग से दिखाया गया है। तो इसी कारण से ये ब्लैक बुक अपना अलग जगह बनाता है, बहुत ज़्यादा ये लोकप्रिय है, बहुत लोग इसका वेट करते हैं। तो 500 क्वेश्चन यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया, उसके बाद यहाँ से हमारा भाग वन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे कुछ उनके बुक्स का एडवर्टाइज है, उसके बाद यहाँ से हमारा जो पहला चैप्टर स्टार्ट होता है इतिहास का, और इतिहास के अंदर में भी प्राचीन भारत से स्टार्ट किया गया है। सारे के सारे वन लाइनर फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। वन लाइनर में एक बहुत अच्छा बुक ये वाला आप ले सकते हैं, प्राचीन भारत का ही जो जितने अंदर प्राचीन भारत के अंदर के जितने टॉपिक है सभी अभी चल रहे हैं। तो इसी तरह पूरा एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो सारे के सारे टॉपिक को कवर किया गया जो प्राचीन भारत के अंदर आते हैं, प्राचीन भारत का, उसके बाद मध्यकालीन भारत, और सभी को बहुत ही अच्छा से यहाँ पे दर्शाया गया। चलिए मैं आपको आगे और दिखा देता हूँ। अभी प्राचीन भारत है, अब हमारा यहाँ से मध्यकालीन भारत स्टार्ट होता है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन दिए गए हैं वन लाइनर में हाईलाइट करके बताया गया है, और सभी TCS क्वेश्चन है, यानी कि पूछे जा चुके हैं जो जो एग्जामिनेशन में वो सारे क्वेश्चन है। चलिए अदर टॉपिक में अभी आपको कुछ और दिखाता हूँ। ये तो इतिहास था, इतिहास तो मैंने दिखाई दिया। यहाँ तो इतिहास सारा था। दूसरा टॉपिक हमारा जो था भूगोल, भूगोल के लिए फिर से सीरियल वाइज पेज नंबर नहीं है, तो कोई विद्यार्थी टोटल पेज नंबर पूछेंगे तो वो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर पेज दिया गया है। बी का 137 पेज। भूगोल, हमारा भूगोल टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें भी भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल सारा कुछ दिया गया है, सभी वन लाइनर फॉर्मेट में ही है, और कहाँ से कितने अपडेट है, क्या चेंजिंग है, वो भी मैंने आपको दिखा दिया, जो कि मैं PDF में मर्ज करके दूंगा। ये वाला टॉपिक ये भी आप अच्छे से देख पाओगे। अगर आपके पास पुराना वाला ब्लैक बुक है तो उसमें मात्र आपको ये वाला सेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, बाकी यहाँ तक के तो सभी चीज़ें आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो ये वाला नया अपडेट है। चलिए मैं आपको लास्ट में 585 पेज पर लेके चलता हूँ। 585 पेज पे क्या है एक बार मैं आपको भी दिखा देता हूँ। 83 और ये 85, ये 30 प्रैक्टिस सेट है। पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न 1000 क्वेश्चन है, 30 सेट दिए गए हैं। एग्जामिनेशन का नाम भी दिया गया है CGL टायर 1, जो कि वहाँ पे मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले दिखाया, वो सारे GS के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। MCQ फॉर्मेट पे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और आंसर की दिया गया है, उसके बाद दूसरा एग्जामिनेशन स्टार्ट किया गया। तो पूरा बुक का पैटर्न मैंने आपको समझा दिया, पूरा ये वन लाइनर में है। लास्ट में आपको जो जो अपडेट था वो भी दिया गया है। आप में से बहुत किसी ने इस बुक के बारे में पूछा था, उस समय मेरे पास बुक नहीं था। अभी आप मुझे व्हाट्सअप करिए, आपको बुक होम डिलीवरी मिल जाएगा। और इस बुक का मैंने आपके लिए 10 पेज का जो PDF बनाया है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा गूगल ड्राइव का लिंक है, वहाँ क्लिक करके बड़े आसान से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जरूर से हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, और यूट्यूब चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि बहुत सारे बुक्स हमारे पास न्यू आते रहते हैं, और जानकारी के अभाव में आप पुराने बुक्स खरीद लेते हैं। अब इसे आप ऑनलाइन में ये बुक अवेलेबल नहीं था, तो ऑनलाइन से हो सकता है आप इसके पुराने एडिशन को ऑर्डर कर चुके होंगे, या फिर आपके पास
आ रहा होगा, आपने ऑर्डर किया होगा, वहीं इसका मार्च 2024 एडिशन निकल चुका है, आपको पता ही नहीं था। तो आप अगर हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो जरूर से आप न्यू बुक से अपडेट रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अच्छे बुक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।